आप देख रहे हैं दर्पण भारत चैनल। चंदौली जिले में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने कुशवाहा समाज से आने वाले कार्यकर्ता सत्येंद्र कुमार मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। जानकारी में बताया जा रहा है कि सत्येंद्र कुमार मौर्य कृषि कार्य के अलावा कंस्ट्रक्शन और जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि इनका एक बेटा इंजीनियर है और एक बेटी डॉक्टर है। बसपा उम्मीदवार वाराणसी जिले के अजगरा विधानसभा क्षेत्र के गुसाईपुर मुहाव के रहने वाले हैं। इनकी इंटर तक की शिक्षा वाराणसी के क्वींस कॉलेज से हुई है। इनका पेशा प्रॉपर्टी डीलर का है। उनसे बात करने पर पता चला है कि उनके दादा 22 वर्ष तक गुसाईपुर मुहाव के ग्राम प्रधान रहे हैं और उनकी चाची भी 5 वर्षों तक प्रधान के पद पर रह चुकी हैं। इन्होंने 1993 में सैदपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उसके बाद 1995 में बसपा ज्वाइन कर ली। 2007 से 2009 तक मौर्य समाज के भाईचारा के जिला संयोजक रहे हैं। अपने सेक्टर के प्रभारी और बूथ प्रभारी भी रह चुके हैं। 2010 से अब तक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है, जिसके चलते लोकसभा का टिकट पाने में सफल रहे हैं। बसपा के एक नेता के काफी करीबी होने के कारण वह लोकसभा का टिकट पाकर अपनी बड़ी राजनीतिक पारी शुरू करने के साथ साथ चंदौली की धरती को अपनी कर्म भूमि बनाना चाह रहे हैं। अपना परिचय बता दें। आपको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया चंदौली लोकसभा क्षेत्र से, क्या कहना चाहेंगे? अपने बहन जी का समर्थन करना चाहूँगा। हमारे ये समाजी कार्यकर्ता को उन्होंने सेवा करने का मौका दिया। क्या मुद्दे होंगे इस लोकसभा क्षेत्र को आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जाएंगे? शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी आपने जो देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड, हमारी पार्टी में ऐसा कोई शिकायत नहीं मिला। भाजपा, कांग्रेस, तमाम पार्टियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार किया है। और माननीय धनराज बहन जी चंदौली को नया जिला दिया था, क्रम में आगे बढ़ाने के लिए बैठे। आपके सामने दो प्रत्याशी आए हुए हैं, एक सपा से हैं वीरेंद्र सिंह और यहाँ के मंत्री हैं जो कि भाजपा के मंत्री हैं और सांसद दो बार रहे हैं, उनसे टक्कर आप कैसी मानते हैं? कोई मतलब है नहीं, कोई विकास नहीं किया। 10 साल हो गए, 10 अपने भारी उद्योग मंत्री रहे हैं, कोई रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। तो उनको क्या अपनी टक्कर में नहीं मानते हैं या कैसे उनका सामना करेंगे? उनका कार्यशैली ऐसा रहा, 10 साल में कोई विकास का कार्य नहीं किया, हमेशा गायब है। बड़ा बड़ा उद्योग मंत्री होते हुए ये भी छोटे उद्योग या कोई रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, आप कैसे लोगों को रोजगार देंगे, क्या कर पाएंगे? माननीय बहन जी ने मुख्यमंत्री काल में अपने बहुत ज़्यादा विकास काम किया, रोजगार दिया लोगों को। ये सरकार जब से आई है कोई रोजगार शून्य हो गया है, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि दर्पण भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।